नमस्कार, मैं हूं अंकिता। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट पंजाब जिला गुरदासपुर की तरफ से आज शिक्षा सचिव पंजाब का पुतला फूंक कर रोष प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा, लगातार घरेलू परीक्षाएं लेने के हुक्मों के साथ विद्यार्थी शिक्षा की अपेक्षा टूट रहे हैं, इसलिए उनकी मांग ही कि घरेलू परीक्षाएं ना लेकर बच्चों को पढ़ाने का समय दिया जाए। इस मौके पर जानकारी देते नेता हरजिंदर सिंह ने बताया कि शिक्षा सचिव की तरफ से लगातार घरेलू परीक्षाएं लेने के हुक्मों के साथ विद्यार्थी शिक्षा की अपेक्षा टूट रहे हैं। पहले कोविड-19 कारण बच्चे पढ़ाई से वंचित रहे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई मोबाइल ना होने के कारण बहुत से बच्चे पढ़ाई नहीं कर सके। अब स्कूल छूट गए हैं, परंतु अध्यापक पढ़वाना चाहते हैं। लगातार परीक्षाएँ होने के कारण बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। सालाना परीक्षा भी नज़दीक है, इसलिए अध्यापक को पढ़ाने के लिए समय दिया जाए। अध्यापकों की प्रमोशन जल्दी की जाए। उड़ेल यूनिवर्सिटी के अध्यापकों को रेगुलर किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगें जल्द ना पूरी हुई तो संघर्ष तेज किया जाएगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंदर की रिपोर्ट। पंजाब दे विच जिहड़ा इह वाले सिक्ख्या दा हाल है स्कूलों दे विच, उहदे विच बच्चे जिहड़े पढ़ाई नालों बिल्कुल टुट गए ने। इस तक क्योंकि पहलां कोविड-19 दे विच क्योंकि बच्चे घरां विच ही तो जी ऑनलाइन पढ़ाई होंगी रही। ऑनलाइन पढ़ाई यह ही कि जे बच्चे को मोबाइल ही वो तो ऑनलाइन पढ़ाई कर ली, पर साढ़े जितों तक सानू पता 80% बच्चों को मोबाइल है नहीं गए। तो जे मोबाइल भी है ने तो साढ़े को बच्चे इस तरह के गरीब घर के बच्चे ने कि उन्होंने नैट नहीं पवा सकते लगातार, क्योंकि ये बड़ा महंगा जी पढ़ाई है। ऑनलाइन मोबाइल पर पढ़ाई करनी है बड़ी महंगी आ। इस करके जे साडे बच्चे ने वो बड़े घट साधना वाले घर चाहते हैं जिते कि यहोजी सहूलत देनी ही बड़ी औखी है, क्योंकि परिवार जे अपनी रोजी रोटी वास्ते लड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह कोविड-19 के गरीब लोगों का जो घाण होया वा, जिस तरह उन्होंने रोटी रोजी तो मुथाज होए ने लोग, किस तरह के उन्होंने रुजगार बंद हो गए। उस टाइम के उत्ते बच्चे जे कही भी ऑनलाइन पढ़ाई कर लगे, ये बिल्कुल गलत है। कोई इदा पढ़ाई हो नहीं सकती। साड़ी मंग यह है कि जे हुण स्कूल खुले ने तो लगातार जिहड़ियां प्रीख्यावां, क्योंकि पहलां ही प्रीख्या ऑनलाइन बड़ी हुई, हुण लगातार जिहड़ियां लगातार प्रीख्यावां दीआं डेटशीटां आ रही ने घरेलू प्रीख्या दीआं। जे अज कोई पेपर मुकदे ने तो अगली घरेलू अगले हफ्ते की फिर डेटशीट आ जाती है, फिर वो जे मुकदे ने उस तो अगले हफ्ते की फिर डेटशीट आ जाती है। अध्यापक जिहड़े ने पेपर लै रहे हैं लगातार, पर पढ़ाई जिहड़ी आ वो नहीं हो रही, क्योंकि अध्यापकों को टाइम ही नहीं पढ़ाउंदा, वो पेपर ही लैण वास्ते लगे ने। फिर उन्होंने अंकड़े जिहड़े ऑनलाइन करने ने, फिर उन्होंने फिर जूम मीटिंगां जिहड़ियां ने लगातार जूम मीटिंग है, उहदा कोई टाइम नहीं। कोई 5 बजे BM सद लैंदा, कोई DM कहिंदा, अज 8 बजे जिहड़े टीचर जुड़न जूम मीटिंग ते अज मीटिंग होनी आ। इस करके सारे अध्यापक जिहड़ा सारा सिस्टम जिहड़ा वा परेशान किया होया सिक्ख्या सकत्तर ने। अहीं जिहड़ी आ अहीं साडी मंग हैगी आ कि जिहड़ियां प्रीख्यावां बंद करके तो जे 2 महीने रह गए, क्योंकि पेपर बहुत नेड़े आ गए, जे सालाना पेपर होने ने उहदे विच अध्यापकों नूं बच्चों नूं पढ़ाउण दा मौका दिता जाए, ता कि अध्यापकों के नाल बच्चे जुड़ सकन ते लगातार पढ़ाई करा सकन, ता कि बच्चों का जिहड़ा नुकसान होया पढ़ाई का पूरा हो सके। साडी मंग यह आ। इस दे नाल ही जिहड़ा हैगा वा साढ़े विक्टिमाइज़ किए आगू जिहड़े अध्यापक आगू ही 17 दे विच जिहड़े SSC रमसा अंदोलन दे विच सस्पेंड किए ही, उन्होंने पूर्न तौर पर बहाल किया जाए। उन्होंने 4 सीटा जिहड़ियां होर भी जिहड़े अध्यापक ने जिन्हां सैमिनारां दा बाईकाट किया ही, वो अध्यापकों दी भी जिहड़ी 4 सीटा पूर्न तौर पर रद्द होनी चाहिए। अज अं जरा पुतला फूकया वा कृष्ण कुमार का, ता कि यह पूरे पंजाब दे फूके जाने, अज 14 तो लैके 20 तक पूरे पंजाब दे विच DTF पंजाब वालों सद्दा दिता गया, यह लगातार 20 तक चलना, वख वख थावां दे उत्ते पुतले फूके जाणगे तहसील पद्धर दे उत्ते। इस करके अज अं यह पुतला फूकया ता कि वो जिहड़ियां साडियां मंगां वल सिक्ख्या सकत्तर जरा ध्यान दे सके।